हेलो गाइस, तो कैसे हो? होप सब अच्छे हो। तो गाइस, आज के वीडियो में टोयोटा गाड़ी बिल्कुल ही चीपेस्ट प्राइस आप लोग के लिए लेकर के आया, जो एक सेडान कार है, लग्जरियस कार। जैसे कि आप लोग सोचते हैं मुझे भी एक सेडान कार सस्ता मिल जाए, तो गाइस आप दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में इसी गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस आपको सब कुछ बताना है वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो को सबसे लगा एंड तक देखें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दोनों आप लोग, क्योंकि स्पीड ऑन चैनल पर डेली आते रहते। तो गाइस चलते अपने गाड़ी को देख। तो गाइस आपको गाड़ी का लुक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे खुद ही पसंद है। गाइस आप फ्रंट लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। साइड से बात करें तो गाइस लुक बहुत अच्छा है, एक सेडान कार है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेंथ देख सकते हो, पीछे का लुक का बात किया जाए तो वैसे वो भी आपको बिल्कुल ही खूबसूरत मिल जाता है। गाड़ी के ऊपर कोई भी आपको माइनर सा स्क्रैच तक नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख ही लोगे, बिल्कुल चमचमा रहा है। टायर कंडीशन का बात किया जाए तो वैसे वो भी आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाता है। इंटीरियर का बात करें तो गाइस आप खुद ही देख सकते हो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, इंटीरियर बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी पीछे देख सकते हो, आर्मरेस्ट आपको सब कुछ मिल जाता है, दूध का फोल्डर भी लगा हुआ मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील का बात करें तो गाइस टोयोटा का छोटा सा बैजिंग उसमें मिल जाता है। बाकी टायर वायर कंडीशन आपको हम दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। बूट स्पेस का बात किया जाए तो गाइस वो भी आपको इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा बूट स्पेस है। देख सकते हो पीछे यहाँ पर आप स्टेप नहीं रख सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं गाड़ी का थोड़ा डिटेल का, और बाइक कैसे कर सकते हैं। बस टोयोटा देख सकते हो, टोयोटा क्रोला एटलीस्ट है, ठीक है, 2010 मॉडल, 2,99,000 का प्राइस है दोस्तों। ये गाड़ी आपको पेट्रोल रेंट में पड़ जाएगा। किलोमीटर का बात करें कब तक कितना किलोमीटर चला हुआ है, 87,532 किलोमीटर तक गाड़ी चला हुआ है। एंड गियर बॉक्स का बात करें तो गाइस इसमें आपको मिल जाता है मैनुअल गियर। ऑनर का बात करो आपको सेकंड ऑनर पड़ जाएगा। एंड लोकेशन का बात करें तो गाइस द्वारका सेक्टर 23 दिल्ली में गाड़ी आपको पड़ जाने वाला है। बाकी गाड़ी का कोई डिस्क्रिप्शन या दिया गाड़ी का और कुछ डिटेल बताया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप चाहें तो ऑनर से डायरेक्टली बात करके उससे भी पता कर सकते हो। वैसे आप बाइक आते पीछे किस तरीके से बाई कर सकते हो, तो वैसे बाई करना बहुत ही अच्छी है। कॉल का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा हमारे सामने कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, कुछ नहीं करना, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना, नंबर उठाना, डायरेक्टली कॉल करना, ऑनर से बात करना है, प्राइस डिस्कस करना है, जा करके देखना गाड़ी को पसंद आता है, स्किप करना। आज के इस वीडियो में